बॉक्स में हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट सो गाइस लेट्स क्रैक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अमेजिंग चैनल टॉपर्स ब्रिंग्स यू विद द बेस्ट क्वालिटी एंड कंटेंट एंड द बेस्ट एजुकेटर्स राइट गाइज सो लेट्स इट अभी साउंड आ रहा है? साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक इज द साउंड कमिंग नाउ द नो आवाज गुड मॉर्निंग बच्चों नाउ द साउंड इज कमिंग एवरीबडी मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज किया बच्चों साउंड आ गया साउंड आ गया तो यस 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 तो सुबह सुबह का शगुन हुआ है जी स्क्वायर की क्लास में है ना बच्चों आज हम रॉक करेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के साथ में <laughs> तो बच्चों आज हमारा स्मार्ट बोर्ड आ चुका है और फाइनली आज मजा आ रहा है टीचिंग कराते हुए कि ऐसा लग रहा है कि चलो भाई आज अपन की क्लास आ चुकी है बिल्कुल बच्चों

अब बच्चों सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया किया चैनल को सबने फिजिक्स तो है तो गौरव सर है केमिस्ट्री है तो वीटी सर है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों चैनल को सेशन को लाइक जरूर करना है उसके बाद आते बच्चों टेलीग्राम चैनल ये हमारे टेलीग्राम चैनल है

तो हमारी स्पेशल क्लास में यहाँ पे आज आपको 7:30 पे जी स्क्वायर का सेशन मिलने वाला है विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड बच्चों यही नहीं इसके साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इससे यहाँ पे जाने के लिए जस्ट सर्च माई प्रोफाइल सर्च माई प्रोफाइल गर्मा गोयल आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे ठीक है बच्चो ये yes. ओके okay बच्चों अब आते हैं जी स्क्वायर के बैचेस के बारे में यहाँ पे प्लस पे सब्सक्रिप्शन पे बच्चों स्क्वायर के बैचेस बहुत चल रहे हैं बहुत मजेदार चल रहे हैं यस बच्चों लिखा लिखा है, <laughs> है? मैम नहीं, नहीं साढ़े सात बजे बच्चों साढ़े सात बजे फाइव थर्टी नहीं है तुम भी क्या क्या बातें करते हो यार यस बिल्कुल मैम मोड आ गया हाँ बेटा आ गया आ गया आ गया यस तो जी के है बच्चों यहाँ पे इस टाइम पे बायोटेक चल रहा है आप भी बिल्कुल फ्री पढ़ाई कीजिए बच्चों मैं तो हर बच्चे को यही कहती हूँ अगर पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कीजिए सो दिस इज योर सोल्यूशन जहाँ पे आप डाउट्स भी ले सकते हैं बच्चों आपके डीपीपी सॉल्व भी होंगे थियोरी क्लासेस भी होंगी सब बिल्कुल मजेदार होने वाला है यहाँ पे है ना उसके बाद बच्चों इसको लेने के लिए आपको क्या करना आप है इंस्टॉल करना है प्लस पे नीट यू जी गेट सब्सक्रिप्शनुसारुसारी रेफरल कोड यूज लोगे तो टेन परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों उसके बाद बच्चों yes, जहां पे टीचर बन जाता है दोस्त है ना क्योंकि आपको मिलता है अपना पर्सनल कोच

हाँ अब दिख रही है ना अब शानदार चार्ट दिख रही है हमारे बच्चों की यस अनुपमा हाय अनुपमा अनुपमा यस बच्चों आगे आगे आ गई यस ओके तो यहाँ पे अब हम शुरू करते पढ़ाई आज की लेट स्टार्ट बच्चों व्हाट इज लिविंग बेटा आज ना स्टोरी टाइम है कौन सा टाइम है बच्चों स्टोरी टाइम तो यहाँ पे व्हाट इज लिविंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास और यहां पे सबसे पहले लेते ब्लैंक स्लाइड जिंदा है हम तो ये कैसे पता लगेगा हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अ लिविंग थिंग तो यहाँ पे एनसीआरटी ने बच्चों दो चीजें आपको बताई है एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर फीचर दूसरा होता है, क्या -क्या होता है 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 डिफाइनिंग क्या क्या बच्चों बोलो मेरे साथ चैप्टर बहुत इजी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बट आज हम बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी समझेंगे चैप्टर को समझने के लिए तो लिविंग जो टर्म है लिविंग का अर्थ होता है बच्चों जिंदा क्या अर्थ होता है बच्चों जिंदा तो यहाँ पे जिंदा दिल्ली के लिए दो शब्द हमने यूज किए है एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक है फीचर और दूसरा कौन सा बच्चों डिफाइनिंग फीचर दूसरा कौन सा बच्चों डिफाइनिंग फीचर ठीक है अगर डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये वो फीचर है जिनके एक्सेप्शन नहीं होते हैं आई बात समझ में बच्चों तो डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है विद नो एक्सेप्शन With no exceptions. तो यहाँ पे जनरली तो डिफाइनिंग करेगा ठीक है yes, ना बट माइक बिल्कुल फटके बाहर आ जाएगा येस yes, बिल्कुल जय श्री राम बिल्कुल राहुल तो यहाँ पे अब आते हैं कैरेक्टर फीचर पे सो लेटेस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफाइन दर्ड लिविंग तो बच्चो आप मेरे साथ हो आप मेरे साथ हो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं चलो आ जाओ वहां पे फाइव थर्टी शो हो रहा है तुम्हारा कहने का मतलब है आज फाइव थर्टी पे जेनेटिक्स का सेशन ऐसा कहना चाह रहे हो तुम बेटा ऐसी खबर ना मुझे तुमसे मिल रही है मुझे भी नहीं पता ये <laughs> oh my God, ये मुझे खबर तुमसे मिल रही है कि आज साढ़े पांच बजे वो सेशन साढ़े सात बजे नहीं है रजत हे भगवान हे भगवान बेटा यार <laughs>

क्या बच्चों पहली चीज ग्रोथ तो ग्रोथ क्या आप ग्रो करते हैं बोलो यस क्या माउंटेन्स ग्रो करते हैं बोलो यस तो माउंटेन की ग्रोथ ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में क्या है बताओ जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में देखो सवाल देखो ग्रोथ ग्रोथ यानी एक माउंटेन था पहले छुटका था बड़ा माउंटेन हो गया आप छुटके थे अब आप भी बड़े हो गए तो आखिर दोनों की ग्रोथ में फर्क क्या है फर्क इज कि जो हम हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है यानी अंदर से बड़े होने की इच्छा होती है जबकि जो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है बच्चों वो एक्सटर्नल होती है

आप सबके सब देंगे तो यहाँ पे प्लांट होती है वो इन डिटर्मिनेट होती है क्या होती है बच्चों यानी कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि वो इस उम्र तक बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा ठीक है वहीं पे अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होती है डिटर्मिनेट कैसी होती है बच्चों डिटर्मिनेट तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या है डिटर्मिनेट तो एनिमल्स के केस में बता सकते हैं कि इस उम्र तक मक्खी इतनी बड़ी हो जाएगी ठीक है इस उम्र तक मुस्कान इतनी बड़ी हो जाएगी इस उम्र तक जो हमारा अभिषेक है वो इतना बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ पैटर्न उसके लिए जो शब्द यूज किया गया वो है डिटर्मिनेट Plants के केस में जो शब्द यूज किया गया है वो है इनडिटर्मिनेट अब आते yes. तो अगर येलर की बात करें बच्चों क्या इनमें ग्रोथ होती है क्या इनमें होती है बोलो ये yes. Yes. इनमें ग्रोथ इज इक्वल टू से तो यानी कि जब जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं जब जब ये डिवाइड करते हैं तब तब हम कहते हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं सेलुलर so, में बेसिकली डिविजन इज ग्रोथ ये दोनों शब्द इसके केस में क्या है, है. आई बात समझ में टेल मी इन द चैट बॉक्स ठीक है तो बच्चों यहां पे ग्रोथ इनसाइड ए ठीक है यहां पे ग्रोथ एबायोटिक कंपोनेंट की भी हो रही है इनसाइड और बायोटिक कंपोनेंट की भी हो रही है प्लांट्स के केस में इंडिटरमिनेट एनिमल्स के केस में डिटर्मिनेट, यूनिसेल्यूलर के केस में जो ग्रोथ है वो बेसिकली इक्वल्स टू डिवीजन है ठीक है अब सवाल उठता है क्या ग्रोथ सब शो करते हैं क्या ग्रोथ सब शो करते हैं है बच्चों क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जल्दी से बताओ अब मुझे चैट बॉक्स में यस yes, बताओ बच्चों

क्या एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं सब तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं फिर भी ते क्या फीचर क्यों ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि एक्सेप्शन है अगर मैं लिविंग वो है जो रिप्रोड्यूस करता है तो फिर म्यूल क्या है क्या म्यूल जिंदा नहीं है क्या खच्चर को जिंदा बोलने का हक नहीं है अपने आप को बताइए चैट बॉक्स में ये yes, बच्चों म्यूल भी तो है उसके बारे में भी तो सोचो थोड़ा सा तो अगर मैं कहूं कि लिविंग वो है जो रिप्रोड्यूस करता है तो म्यूल का केस जो हमारा म्यूल है जो हिनी है, ठीक है जो हमारे और भी एनिमल्स है जो स्टेराइल ह्यूमंस है ठीक है लेट्स टेक स्टेराइल ह्यूमंस आल्सो क्या उनको जिंदा रहने का हक हाँ नहीं है मेरे बच्चों बताओ क्या उन्हें जिंदा रहने का हक हाँ नहीं है बिल्कुल हक है ये भी तो जिंदा है तो इन्हें हम बोलेंगे लिविंग क्या बोलेंगे बच्चों इनको भी लिविंग बोलेंगे बट जो फीचर है रिप्रोडक्शन दैट विल बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉट द डिफाइनिंग फीचर क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन है हमारे पास एक्सेप्शन है तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट तो जल्दी से एक बार हिट द लाइक बटन अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों अब रिप्रोडक्शन के बाद तीसरा फीचर हम जो लेने वाले हैं दैट इज योर मेटाबॉलिज्म दैट इज योर बच्चों मेटाबॉलिज्म अ मेटाबॉलिज्म क्या होता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म बच्चों मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जहां पे कुछ चीजें टूटती हैं कुछ चीजें बनती हैं ब्रेक तो ब्रेकअप तो पैचअप इसको क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इसी को तो बोलते हैं जिंदगी ठीक है तो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो यहां पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है यहां पे

फीचर तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है क्या होता है बच्चों जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ठीक है यस yes. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट कॉन्शियसनेस ओहो है ना कॉन्शियसनेस अब आते हैं कॉन्शियसनेस पे बच्चों यानी कि समझना परिस्थितियों को ठीक है आ जाओ बच्चों कॉन्शियसनेस क्या होता है दैट इज योर रिस्पॉन्स टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे हम देखें कॉन्शियसनेस के बारे में तो क्या आप कॉन्शियस है बच्चो येस yes. क्या आप कॉन्शियस है बोलो ये yes. ठीक है अगर मैं यहाँ पे बोल दू एकदम से शिल्पा क्या कर रही है तू तो बी लाइक मैम ने मेरा नाम ले दिया मैम ने मुझे डांट भी दिया तो यू नो दिस इज अ रिस्पॉन्स

आपने उसको छुआ उसने शर्माया ठीक है सो दिस दिस इज इज ऑल ऑल यू नो और ये रिस्पॉन्स सिर्फ कौन देते हैं बच्चों आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस टच मी नोट यस डू नॉट टच मी मिमोसा तो बच्चों कॉन्शियसनेस क्या है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहां पे बेसिकली आप इंश्योर कर रहे हो कि अगर परिस्थितियां बदलती है तो आप भी बदलोगे है है ना ना बच्चों यस yes, बिल्कुल शर्मा जाना है ना? बस एक मैसेज आते ही मुस्कुरा देना तो ये सब चीजें क्या बच्चों कॉन्शियसनेस है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चलो आप यूनिसेल्यूलर से लेके चलते हैं तो अगर यूनिसेल्यूलर की बात करें फिर से देखो इस तरीके से मैं भी नोट्स बनाती हूँ बच्चों तुम्हें भी बनाने हैं <coughs> तो अगर यूनिसेल्यूलर की बात करें लेट से अमीबा लेट फेवरेबल कंडीशन होती है तो रिप्रोडक्शन चलता है धनाधन धन ठीक है जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो रिप्रोडक्शन क्या होता है रुक जाता है तो ये क्या है रिस्पॉन्स तो है रिस्पॉन्स है या नहीं है तो दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑफ यू सी इवन इन केस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ठीक है बिल्कुल पे अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में भी बच्चों बहुत सारी चीजें होती है जैसे टच मी नॉट ना 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 टच मी टच मी नॉट ठीक है यस yes. तो प्लांट्स के केस में भी क्या है बच्चों यहाँ पे हम बहुत सारे मूवमेंट्स भी देखते हैं है ना बिल्कुल फिर आते हैं बच्चों प्लांट्स एनिमल्स के केस में तो एनिमल्स के केस में तो कॉन्शियसनेस आपको पता है बहुत ज्यादा आपको दिखता है अगर आप डॉग को ऐसे बोल दो ना कि बक बहन से ठीक है डॉग को अगर अभी मैं जैसे मैं आ रही थी रास्ते में तो मैंने बक बोलो से ठीक है वो कह दो हो भागने लगे मुझ पर

क्या आप कह सकते हैं कि जो कोमा पेशेंट है इज दी कॉन्शियस यस टेल मी इन द चैट बॉक्स यस बच्चो <laughs> तो अगर कोमा पेशेंट की बात करें तो उसके केस में आप कह सकते हो वो कॉन्शियस है यस टेल मी इन द चैट बॉक्स देर आर फ्यू फ्यू यू नो वेरी एक्सट्रीम कंडीशन जहां पे हम देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है बट इन द मेजोरिटी विल फाइंड कॉन्शियसनेस तो कैन आई टेक दिस एज अ डिफाइनिंग फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर टेल मी इन द चैट बॉक्स

ठीक है तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो अगर मैं यही लाइन एनसीआरटी में उठा के तुम्हें नीट में दे दू क्वेश्चन देखो, देखो आज मैं तुम्हें कैसे बनाना सिखाती हूँ आज तुम खुद प्रैक्टिस करना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है चलो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में नीट बॉम्बर्स एनसीआरटी के सारे क्वेश्चंस आज यहीं पे कवर कर लेंगे इस चैप्टर के इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं बच्चों ठीक है ये तो यहाँ पे अगर यही लाइन मैंने एनसीआर उठा के तुम्हें दे दी नीट एग्जाम में कि बताइए बताइए जनता वांट्स टू नो कि ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेक्ट और इनकरेक्ट यस अब देखो यहाँ पे फंस गए आधे नालायक यहाँ पे फंस गए <laughs> बता ही नहीं पा रहे <laughs> बता ही नहीं पा रहे, हैं। नहीं पा रहे हैं। अरे करेक्ट भाई मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है

अगर यहीं पे डिफाइनिंग फीचर लिख दू मैं तब तुम्हारा आंसर क्या होगा फॉल्स तब तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों फॉल्स क्योंकि एनसीआर ने कड़े शब्दों में कैरेक्टरिस्टिक लिखा है क्या लिखा है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक लिखा है तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से ठीक है अब देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज टेकन एज सेल डिवीजन दिस लाइन कैन बी टेकन एज वन क्वेश्चन ये लाइन एक सवाल बन सकती है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से कि क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ को हम सेल डिवीजन कह सकते हैं तुम लिखोगे यस ट्रू स्टेटमेंट है तो ये वाली स्टेटमेंट मार्क करो इसके आगे ट्रू लिखो सारी यहीं पे ऐसे लिखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखते जाओ फटाफट से ठीक है अब आते नॉन लिविंग पे माउंटेन्स बोल्डर्स उंट ये सब क्या करते हैं ग्रोथ शो करते हैं बट यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है सरफेस यानी ग्रोथ है तो यहाँ पे लिखिए एक्सट्रेंसिक ग्रोथ यहाँ लिखिए ग्रोथ तो जब बाहर की ग्रोथ है तो ग्रोथ तो ग्रोथ है ग्रोथ तो ग्रोथ होती है ना यस yes, बच्चों तो यहाँ पे इस तरीके से आपने सारे पॉइंट मार्क करने हैं ठीक है ठीके? अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन

रिप्रोडक्शन में मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बिल्कुल सही बात है करता करता है बिल्कुल करता है, ठीक है? करता है बिल्कुल करता है, ठीक है, ये सारे करते है, क्या? But, but, है उसकी लाइन देखो यहां पे लिखी हुई है देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्मीज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स तो इनको हम लिविंग लेंगे या नॉन लिविंग लेंगे ये भी तो जिंदा है तो ये लिविंग है बट नॉट रिप्रोड्यूसिंग है तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है है ठीक बच्चों नेक्स्ट अनदर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म जो मैम ने बताया था तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म सारे रिएक्शन है ब्रेकअप और पैचअप वाले तो ये सारे हमने देखे सारे कन्वर्जन हो रहे हैं और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है देखो यहाँ पे जो ये शब्द है ना ऑल

सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बताना चार्ट बॉक्स में यस टेल मी इन द चार्ट बॉक्स सेल से बना ठीक है यूनिसेलुलर हो गया या आपका बच्चों पॉरीफेरा हो गया आपके प्लांट्स हो गए सब सेल से बने हैं सब किससे बने हैं बच्चों सबके सब सेल से बने हैं सिंस ये सब सेल के बने हैं तो हेल्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो बना तो सेल से है ना बच्चों सेल है तो मतलब मेटाबॉलिज्म भी है ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डेड है ठीक है तो यहाँ पे इट कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर नाउ यहाँ पे आते हैं कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बच्चों इट विल बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्योंकि ये आपको बाहरी चीजों से रिस्पॉन्ड करना सिखाता है तो बच्चों पहला टॉपिक क्लियर है इस चैप्टर का लेट मी नो इन द चैट बॉक्स बता दो एक बार जल्दी से धूम मचा दो चैट बॉक्स में पहला टॉपिक सबको क्लियर है अगर यहां पे मैं तीन चार स्टेटमेंट्स दू तो क्या तुम सॉल्व करोगे कैन आई टेक अ क्विज क्विज फटाफट से एक ले लू? चलो आ जाओ तो अब मैं यहां पे लाइंस लिखूंगी तुम्हें दिमाग लगाना है और फटाफट से आंसर देना है ठीक है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस वाले टॉपिक से अभी हम दूसरा टॉपिक भी शुरू करेंगे पहला स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर वन और लिविंग organism have cellular organization true or false everybody true or false statement number 1 true or false लिखते जाओ बेटा लिखते जाओ रिवाइज करते g square के साथ स्मार्ट बोर्ड इज बैक बच्चों इसके बिना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे है ना यस तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्युटली योर आंसर इज ट्रू बिल्कुल सही सेकंड स्टेटमेंट क्या इन सब में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है क्या सब में metabolic processes होती है? ट्रू ऑफ एवरीबॉडी टेल इन चैट बॉक्स रोकना नहीं चाहिए किसी को भी नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट भी ठीक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चलिए फोर्थ स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट बच्चों व्हाट इज आंसर व्हाट इज द आंसर थर्ड स्टेटमेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यस ओके साक्षी ने आंसर दे दिया है क्या बात है बच्चों क्या बात है वेरी नाइस सुपर सुपर जी स्क्र आर्मी इज ऑलरेडी ऑन फायर ठीक है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ

अब आते हैं हम यहाँ पे बच्चों डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अब डाइवर्सिटी पे आते हैं व्हाट इज डाइवर्सिटी बच्चों व्हाट इज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मींस जब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बहुत तरह के हैं आपके इस प्यारे गोला पे यानी कि धरती पर ठीक है व्हेन द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एक सेकंड बच्चों यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी अब यहां से जो मेन क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि कितने आपके नंबर ऑफ स्पीशीज है, है बच्चों आपके स्पीशीज है और इस डिफरेंट टाइप्स को हम टुगेदर क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं बच्चों इसको बायो ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं है? no, तुम्हें, तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर इसके स्टेप्स क्या और इसको समझना कैसे ठीक है यस तो यहाँ पे पहली स्टोरी क्या है मान लो कि आप डॉक्टर है अरे वाह 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 है ना यस बिल्कुल मान लो कि आप डॉक्टर है बच्चों और डॉक्टर कौन से है? आप मान लो कि गायनेकोलॉजिस्ट है ठीक है गायनेकोलॉजिस्ट है बिल्कुल क्या बात है क्या बात है है ना तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हॉस्पिटल में करीबन 20 बच्चे पैदा हुए कितने बच्चे पैदा हुए बच्चों 20 बच्चे पैदा हुए कहाँ पे एक हॉस्पिटल में ट्वेंटी किड्स वर बोर्न ठीक है तो सबसे पहले 20 बच्चे पैदा हुए अब 20 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करोगे या नहीं करोगे तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों हमेशा

अब क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा तो पहचान लिया अब क्लासिफाई कैसे करोगे देखो इतने लड़के हुए थे इतनी लड़कियां हुई थी लड़कों में इतने लड़के इतने वेट के थे इतने लड़के इतने वेट के थे तो आपने यहां पे उन्हें कैटेगरीज में बांट दिया है किसमें बांट दिया बच्चों कैटेगरीज में बांट दिया है तो जब आप इन्हें कैटेगरीज में बांट देते हैं दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन आया कि नहीं आया समझ में तो पहला स्टेप क्या पहले पहचानो बच्चा इंसान का है या नहीं मान लो कि बच्चा इंसान का नहीं था तो फिर हो गई ना गड़बड़ गड़बड़ हो गई फिर तो तो यहां पे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन गईन बच्चा इंसान का ही है या नहीं है अभी बच्चा इंसान का है किसका है ठीक है ये क्लासिफिकेशन है तो अब हमने क्लासिफिकेशन भी कर दी अब क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों अब उसका नामकरण भी करना है तो नेक्स्ट वुड बी नॉर्मन क्लेचर नेक्स्ट वुड भी बच्चों नॉमिन क्लेचर जिससे हम कहते हैं नामकरण ठीक है यस नाम yes, नामकरण होता है ना ऐसे ही तो होता है अब नामकरण भी करेंगे तो यहाँ पे yes, तो पे ठीक है है यस बच्चों इस तरीके से आपके स्टेप्स कि सबसे पहले आप एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो फिर उसे क्लासिफाई करते हो और फिर नामकरण करते हो अब जो नॉमिन के लिए हम मेथड यूज करते हैं वो है बाइनोमियल नॉमिन ठीक है यस yes. आ जाओ कौन सा मेथड है बच्चों बाइनोमियल नॉमिन क्लेचर अब बाइनोमियल नॉमिन क्लेचर में क्या एक नाम जेनेरिक नेम होगा एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा ठीक है तो आप ध्यान से सुन लेते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लल्ला लल्ली नालाय को <laughs> तो आज हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं बच्चों एनसीआरटी को सिंस हम इसको समझ तो चुके अब इसको मार्क करना जरूरी है तो क्लेचर क्या है बच्चों एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जब नामकरण करते हैं 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 तो उसे कहते है क्लेचर. क्या कहते है उसे कहते कहते क्या क्यों करना है कि आपका नाम विश्व में प्रसिद्ध हो तो इसलिए हम यहां पे साइंटिफिक नेम्स यूज करते हैं वरना घर में तुम्हें कोई क्या बुलाता है घर में तुम्हें बुलाते हैं नालायक ठीक है घर में तुम्हें बुला सकते हैं गुड्डो घर में तुम्हें बुला सकते हैं ए टिंकू इधर आ ए रिंकिया के पप्पा है ना ऐसे ऐसे नाम भी रख देते हो तुम लोग तो ये सब इतने सारे नाम आपने रखने से अच्छा है कि बेटा आपका एक नाम हम ऐसा रख दे जो आपके स्कूल में भी यूज हो आप जो जॉब करने जाए वहां पे भी यूज हो तो जो घर के नाम होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों कॉमन नेम्स जो आप बाहर के आपके सीबीएसई के सर्टिफिकेट पे आता है उस नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों उस नाम को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है तो इस साइंटिफिक नेमिंग के लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है एक है आईसीबीएन दूसरा आईसीजेएन ठीक है यानी कि यहाँ पे आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नेम्स एंड आईसीजेएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉर्मल प्लेचर ठीक है तो ये दोनों नाम रखेंगे एक प्लांट्स के तो एक बच्चों किसके एंजल <laughs> एक सेकंड बच्चों एक सेकंड बच्चो, मयूर ने लिखा कि उसे एंजल बुलाते हैं घर में बेटा, आई एम लिविंग द प्लान अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना मयूर ने लिखा कि उसको एंजल बुलाते हैं बस बच्चो ये एक शीशा था जो टूट गया yes. आज ठीक है यस आज टूट गया बच्चों। <laughs> चलो बच्चों, आ जाओ बेबीज यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो बेटा यहाँ पे बाइडोम क्लेचर भी है जहां पे हमारे पास एक जेनेरिक नेम है एक स्पेसिफिक एपिथेट है जिसे हम बायोलोमलेचर कहते हैं अब ये करते कैसे आ जाओ बच्चों बेटा तुम लोग तो यार नेक्स्ट लेवल खेल रहे हो यार एंजल तो बेटा यहाँ पे मैगनी इंडिका है क्या होता है बच्चों ये आम होता है आम जो आप खाते हैं गर्मियों के दिनों में आम सारे फ्रूट्स का राजा होता है ना बिल्कुल मैग्नी इंडिका तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों मैग्नी इंडिका में क्या क्या हो रहा है तो सबसे पहले इसको नाम कैसे देते हैं द फर्स्ट जेनेरिक नेम दैट इज जीनस एंड दिस स्टैंड फॉर स्पीशीज तो इसे लिखने का भी एक तरीका है बच्चों। अरे इसको क्या हो गया इसको लिखने का बच्चों तरीका है द फर्स्टली दे है तो यहाँ पे आपको इटालिक्स में दिख रहे हैं

बेटा सेल चैप्टर की क्लास बजे है बच्चों हल्ला, इतना? <laughs> इतना हल्ला, हल्ला, तो हल्ला करते रहते हो बस यस आ जाओ इधर तो यहाँ पे बच्चों हम अगर कि अगर यहाँ पे कैरलियस ने यहाँ पे अगर डिस्कवर किया है इस पर्टिकुलर स्पीशीज को तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे ठीक है उनको क्रेडिट देंगे कि हाँ भाई classification. Classification क्या है आप यहां पे में, में जैसे आप कदम रखते हैं, देखो स्कूल में आपने कदम रखा सामने क्या था कलश था आपने कलश को ऐसे किया बच्चों ठीक है फिर जैसे आप स्कूल में एंटर किए मैडम ने कहा तू उस हाउस में जाएगा तू उस हाउस में जाएगा और तू निकम्मी उस हाउस में जाएगी तो सबसे पहले आपको तो क्लासिफाई कर देते अकॉर्डिंग टू योर हाउसेस करते हैं 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 नहीं करते हैं। पहले दिन ही अपने हाउस दे है सेम थिंग इज इज हैपनिंग हियर आल्सो दैट क्लासिफिकेशन पे आप सारी चीजों को ग्रुपिंग कर देते किसमें में। में? है, Taxa. Taxa है क्या? और ये कैटेगरी किस पे बच्चों फीचर्स पे. पे बच्चो? तो बनाएंगे बना देंगे ठीक है यस जैसे कि सारे खिलाड़ी बच्चे एक हाउस में होते हैं आपने देखा होगा है ना सारे खिलाड़ी मेरे, मेरे हाउस का नाम था इक्वालिटी आई स्टिल रिमेंबर मेरे हाउस का नाम इक्वालिटी था बच्चों और आपको पता ही आई ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी तो आई थिंक शायद वहीं से ये आदत पड़ गई इक्वालिटी की तो यस माय हाउस नेम वाज इक्वालिटी तो हमारे हाउस में जितने भी बच्चे थे वो सब इक्वालिटी में विश्वास करने लग गए इवेंचुअली नहीं भी करते तो करने लग गए ठीक है तो ऐसे ही बच्चों टैक्सस इज नथिंग बट अ कैटेगरी और कैटेगरी आपने किसके बेसिस पे बनाई है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बनाई है, है ठीक है अब देखते हैं टैक्सोनॉमी

सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि कितने स्पीशीज हैं, उनको इससे भी मतलब है दूसरों को किससे मतलब है? यस yes. yes. <laughs> ठीक है तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? ठीक ठीक है? है? सो इज सिस्टमैटिकाइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन सिस्टमे ओहो सिमा नैचुरे ठीक है एंड एज ए टाइटल ऑफ इसकेशनिस ने सिस्टम ने बताया कि बाकी की स्पीशीज आपस में कैसे इंटरक्ट करते हैं ठीक है बिल्कुल मैम यस ओके अब आते बच्चों टेक्सोनॉमिक पे, पे जहां पे हिरारकी पूरा पैटर्न बनाया गया है बेटा देखो अब देखो तुम्हें एक चीज समझाती हूँ समझने के लिए तैयार हिरारकी को मैम के साथ एक बढ़िया से एग्जाम्पल से ठीक है बताओ बताओ चैट बॉक्स में बताओ एवरीबड इन द चैट बॉक्स

ये एक आपका स्कूल है स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं ठीक है ये आपका एक एनिमल किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स हैं सही बात है या नहीं है बताओ चैट बॉक्स में तो बेसिकली एक स्कूल क्या है एक एनिमल किंगडम है एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स हैं स्कूल में सारे बच्चे हैं जो बहुत ही उत्पादी हैं जो जानवरों से कम नहीं है ठीक है बिल्कुल सही बात अब स्कूल के अंदर यहाँ पे क्या होती है बच्चों क्लासेस होती है ठीक ठीक है, है है, है है सबसे पहले पहले हम कैसे करते हैं? हैं, फिर secondary, फिर 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 तो तो हाँ पे 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 चलते आता 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 से fifth, से tenth, है, से तो ये कुछ wings है जो पहले स्कूल में डिवाइडेड होते हैं ऐसे एनिमल किंगडम में भी बड़े बड़े ग्रुप्स डिवाइडेड है जिन्हें हम फाइलम्स बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों फाइलम्स बोलते हैं ठीक है तो फाइलम्स में यहाँ पे जो बच्चे हैं अब देखो नर्सरी के बच्चे क्या होते हैं सब एक साथ क्या करेंगे खाना खाएंगे ठीक है पेंसिल छीलते रहते हैं ठीक है और यही सब करते रहते हैं तो इनकी हरकतें भी सेम है नर्सरी के बच्चों की हरकतें भी सेम है और साइज भी सेम होता है सब छोटे 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 बैग टांग के चलते रहते हैं तो यहाँ पे नर्सरी के बच्चे छोटे भी हैं और खोटे भी है सबके सब एक जैसे हैं अगर मैं की बात करूं तो सबके सब खोटे हैं वहां पे सबके पास क्या है एक्सोस्केलेटन है तो यहाँ पे सबके सब क्या है मैचिंग है अब वहीं पे दूसरे यहाँ पे बात करें वन टू फिफ्थ अब यहाँ पे क्या बहुत है बहुत टेढ़े हैं ये बहुत चंट बच्चे होते हैं एक से लेके पांचवी तक के बच्चे इतने मुफट होते हैं बच्चों इतने मुफट होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते ये सारी चीजें बोल देंगे जहां जो चीज नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल वहीं पे जाके वही चीज बोलते हैं कभी तो मुफट बच्चे तो ये सबके सब, सब मुफट बच्चे होते हैं ठीक है ऐसे बच्चे यहाँ पे और भी फाइलम्स है जिनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं से लेके तक आते हैं इनको ये निब्बा है। ये निब्बा पूरा पूरा निब्बा निब्बी है। yes, हाँ, मैं आप आप मेरे। बिल्कुल, निब्बा निब्बी गैंग गैंग पूरा पूरा का यस मैं ऐसे रहता इनका ठीक है बच्चों तो ये वाले हो गए सारे स्वाग वाले तो ऐसे देखो यहाँ पे भी डिविजन हो रहे हैं यहाँ पे भी से लेके फिफ्थ में भी अब 1 से लेके 5th तक भी आपके कितनी क्लासेस है पांच क्लासेस है तो ये देखो फर्दर डिवीजन है अब इनके अंदर भी आप देखोगे सेक्शंस होते हैं इसके अंदर भी क्या होते हैं सेक्शंस होते हैं तो ये क्या है बेसिकली बच्चों एक हायरार्की है जो सेम आपको आपके टैक्सोनॉमी में भी देखने को मिलती है आया कि नहीं आया समझ में कैन यू रिलेट दिस तो सबसे ब्रॉड कैटेगरी में सबसे कम कॉमन फीचर्स होंगे सबसे इस वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा सिमिलर और कॉमन फीचर्स होंगे तो जितना में ऊपर जाते जाओगे उतना आपको पैटर्न देखने को मिलेगा आया कि नहीं आया समझ में बॉक्स। हाँ मिसिंग स्कूल लाइफ ओ गॉड तो बच्चों यहाँ पे यही हमने देखा है दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरारकी एंड ईच

कॉलेज वाले शांत बच्चे होते हैं कहाँ से आए हो तुम लोग मिसिंग माय रॉक्सी मलिका बन से लिख रही है मिसिंग माय रॉक्सी बेटा तुम बड़े तेज हो रहे हो पैंथेरा लियो लियो माने लायन लियो माने लायन ठीक है तो यहाँ पे बच्चों लियो क्या उसका स्पीशीज है तो अगर स्पीशीज की बात करें तो इट इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज तो हमारी जो सिमिलैरिटीज है वो कौन से बच्चों

मिसिंग माई कैंटीन का समोसा ओके okay. मैं भी बोलूंगी अब मिसिंग माई स्कूल द बंक मिसिंग माई स्कूल कूदी वाली पैटी स्कूल कूद के जो पैटी लेके आते थे यस yes. वो पैटी होती है ना बच्चों पांच रुपए वाली बाई गॉड ठंडी ठंडी वही 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 हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं थी बच्चों तो कूदना पड़ता था हाँ बिल्कुल कूदना पड़ता था भैया से सेटिंग करनी पड़ती थी भैया जरा पांच रुपए वाली पैटी दे दे यार हमारे जमाने में पांच रुपए की मिलती थी बच्चों बहुत पुराने जमाने के ना यस फिर तो इसने ना दाम बढ़ा दिया दस रुपए की कर दी फिर मैं लेने बंद कर दी बेटा आप समझ रहे हो ना पैसे बहुत खर्च होने लग गए थे समझ रहे हो ना यस हाँ बच्चों तो बेटा महंगी कर दी तो फिर मैंने बंद कर दिया मैंने कहा नहीं पांच की देनी है तो दो वरना हम नहीं खाएंगे फिर हम फ्रेंड्स के साथ ना ऐसे कर लेते थे दस की ले लेते थे आधी तू खा ले आधी मैं खा लेती हूँ है ना बच्चों बट पांच रुपए का बजट रखा है हमेशा हमेशा बजट पांच का ही रखा है इससे ज्यादा नहीं रखा आधी खा लेंगे या छोड़ देंगे बट दस रुपए खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल बच्चों अब आ जाओ यहाँ पे फैमिली पे आते हैं तो फैमिली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज तो, 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 तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं द सिमिलैरिटी पैटर्न इज रिड्यूसिंग है ना सिमिलैरिटी पैटर्न इज रिड्यूसिंग तो ये आपकी फैमिली हो गई बच्चों जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो फैमिली ऑफ़ कैट्स इज़ फेलिडी, ठीक है तो ये इसकी फैमिली हो गई। तो ऐसे बिल्कुल ना <coughs> यहाँ पे बच्चों को देखिए तो बच्चों जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स तो यहाँ पे हमारे कार्निवोरा

ये कुछ कार्डियशीज उनके मुझे कुछ कुछ और याद आ गया बच्चों यस yes. ठीक है देन वी आर वीट बच्चों ट्रिटिकम इसकी फैमिली पोएशी पोएल्स मोनोकोटिलेडन्स एंड एनजियोस्पर्म्स ठीक है बिल्कुल बच्चों नाउ टैक्सोनॉमिक एड्स अब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है जो आपको हेल्प करता है बच्चों के इसमें क्लासिफिकेशन और नॉमिनक्लेचर में उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स सो दे हेल्प यू करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें पहले हर्बेरियम बनाया बच्चों क्लास ट्वेल्थ में यार ये तो सब क्या होती है यस yes. <laughs> ये तो सब क्या पे होती है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल तो अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें हर्बेरियम तो हर्बेरियम में क्या करते हैं पत्ते लेकर आते हैं ड्राई करते हैं फिर उसे कागज पे चिपकाते हैं बस खत्म बस फिर खत्म फिर उसको चिपका के उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं सो हर्बेरियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीथ एग्जाम हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट अलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन ठीक है बच्चों दिस इज हर्बेरियम देन वी हे बॉटोनिकल गार्डन यहाँ पे बच्चों ऐसे प्लांट स्पीशीज जो इंडेंजर प्लांट स्पीशीज होते हैं ना अक्सर उन्हें हम बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व करते हैं ठीक है ये बच्चों तो यहाँ पे स्पेशलाइज गार्डन कि फेमस बॉटनिकल गार्डन की हम बात करें तो क्यू इंग्लैंड इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ तो ये सब क्या यहाँ पे प्लांट स्टोर करके रखते हैं बढ़िया बढ़िया से ठीक है यस फिर आते हैं बच्चों म्यूजियम गए हो डॉल म्यूजियम जितने भी दिल्ली के बच्चे होंगे चैट बॉक्स में कभी ना कभी स्कूल वाले आपको डॉल म्यूजियम में जरूर लेके गए होंगे पता नहीं इनको क्या जिद है सब बच्चों को उठा के डॉल म्यूजियम ले जाते हैं वहां पे कई बार ऐसी एनाबेल टाइप्स भी डॉल देखने को मिलती है कि डर लग जाता है दो दिन रात में नींद नहीं आती है बच्चों को देखने के बाद ऐसी एक डॉल तो ऐसी भी है वहां पे ठीक है ऐसी डॉल को देख के बेटा क्या होगा नींद ही तोड़ेगी पता नहीं क्या शौक है डॉल म्यूजियम ले जाएंगे और सबसे ज्यादा हंसी मुझे आती है कि लड़के बहुत कर रहे होते हैं यस yes, मैं देखती हूँ ना जैसे बच्चों को कई बार लेके गई थी मैं भी अपने स्कूल में जब मैं परिफेक्ट थी तो मैं देखती थी लड़कियां अलग इंजॉय कर रहे हैं देख देख, देख 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 वाली देख वाली देख मैं कहती हूँ हाय भगवान यस क्या चल रहा है ये तो बच्चा म्यूजियम

एंजाइटी लाइन देखो चिल्ड्रन लवि स्टडी फॉर एम्स मार्वल डू यू रियली एंजॉय जू यस बच्चो चिड़ियाघर अब सही पकड़े अब सही पकड़े बच्चो चिड़ियाघर नाम की बच्चों. की इज अनदर टैक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉल्ड कपलेट तो यहां पे सारी चीजों को मैच करो एक टेबल बनाओ जिसे हम की बोलते हैं ठीक है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही सुचेता ने तो की भी बना दी चैट बॉक्स में आप बच्चों चिड़ियाघर एंजॉय करते हैं आ जाओ क्या है ये कौन है ये बताओ जरा ये कौन कौन है ये दरियाई घोड़ा है क्या ये दरियाई घोड़ा है क्या ये बताओ चैट बॉक्स में क्यों भाई सवाल पूछ लिया तो नीट ने कि ये दरियाई घोड़ा है या नहीं तो क्या बोलोगे क्या बोलोगे ये या है? <laughs> देखो 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 आधे बच्चे कंफ्यूज है कुछ हिप्पो बोल रहे कुछ राइनो बोल रहे हैं <laughs> बताओ तो दरियाई घोड़ा है या नहीं है <laughs> देखो आधे बच्चे कंफ्यूज पोल दे देते हैं आज बेटा कॉम्युनिटी में पोल डालूंगी कि एनसीईआरटी के इस पेज पे पहला चित्र का का है या बच्चों है चलो छोड़ दिया तुम पे कौन, कौन है ये कौन है बताना जरा बता दो इसका क्लासिफिकेशन क्या है ये पक्षी है या क्या है ये क्लासिफिकेशन क्या है बताओ जरा यस yes. अब देखो बेटा ये क्या है हाथी क्या है हाथी हाथी ठीक है और ये क्या है शेर नहीं ये बाघ है अरे शेर है बाघ है बताना जरा हिंदी में बताओ इंग्लिश में मत बताना शेर है या बाघ है ये बताओ ये शेर है या बाघ है अरे इंग्लिश में थोड़ी बताना मैं तो हिंदी में पूछ रही हूँ जरा तुम्हारी हिंदी तो देखो 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 नालायक हिंदी में देखो 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 शेर है या बाघ है यस चीता है

कि वो शेयर था या बात था ठीक है यस yes. क्विज चलो पहले बताओ बेटा खेमू तेरी आंखें बड़ी चढ़ रही है खेमू बेटा क्लासेस में रेगुलर रहना है एवरीबडी हैज़ टू बी रेगुलर इन ऑल द क्लासेस अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास नहीं कर रहे हो ना बच्चों आप अपना नुकसान कर रहे हो मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो सिर्फ बायो के दम पे जो बच्चे उछल रहे हैं ना NEET 2021 के लिए आई एम सॉरी वापस आके धरती पे गिरोगे

नेक्स्ट दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए इन करेक्ट स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट मी इन द बॉक्स बॉट ओह भाई ये क्या था ओह oh, ओह oh, 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 दिख गया पिज्जा देखो 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 पिज्जा गया पिज्जा

पूरे हैं फोटोग्राफ नहीं एक्सिबिशन थोड़ी लगाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। जाइए और अभी एनरोल कीजिए एवरी डे एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर एंड फर्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात और करनी है Monday की बात करनी है बच्चों तुम्हें पहले बता देती हूँ मंडे को मैम बैंगलोर जा रही है माई है, इंस्टा हैंडल द अवार्ड आई थिंक ये अवार्ड मेरे हर एक बच्चे को जाता है या हम सबका अवार्ड है बच्चों मेरा अवार्ड नहीं है बस तो आंसर देखते हैं बच्चों इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड कॉमन हाउस ठीक है आपका ये वाला ऑप्शन सही है नेक्स्ट बच्चो

बच्चो बिकॉज ये अवार्ड तुम सबका है तो हम सबको एक साथ शेयर करना है बिल्कुल हाँ अवार्ड के साथ फोटो भी बिल्कुल 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 आप सब बच्चों के लिए है वो तो आप सब बच्चों का अवार्ड आज मैं आपको देना चाहूंगी ठीक है यस द आंसर इज बच्चों फैमिली नेक्स्ट इज दिस एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी चलिए बताइए बच्चों हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का जो एक ऑर्डर है ह्यूमंस ये एक फैमिली है कटल फिश का ये क्लास है टाइगर टिगर स्पीशी यस बच्चो ओके बताइए बच्चों व्हाट इज द राइट आंसर व्हाट इज द राइट आंसर यस तो बच्चों हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका यह ऑर्डर नहीं है ये इसका जीनस है प्राइमेटा इसका ऑर्डर है कटल फिश मोलस्का मुलास्का इस फाइलम ओके टाइगर पेंथेरा टिग्रिस डी वुड बी द राइट आंसर डी इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही सो डी इज द राइट आंसर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड वेरी नाइस बच्चों तो इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त देर आर फ्यू अनाउंसमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक फॉर आवर अन अकेडमी टॉपर चैनल स्टूडेंट्स मंडे बच्चों मंडे आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर ठीक है मंडे को मैं बैंगलोर जा रही हूँ बिकॉज देर इज सम वेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग कमिंग अप देयर एंड आई बी मीटिंग ऑल द ग्रेट ग्रेट टीचर्स ऑफ यूट्यूब एंड बच्चो आइल बी शेयरिंग माई अवॉर्ड विद यू पीपल टूडे एंड बच्चो मेक श्योर यू आर लर्निंग रिवाइजिंग सो टी दैट इज बायोलॉजिकलरी डे टेन ओ क्लॉक है और आज अभी ट्वेल्व थर्टी पे मिलने वाले हैं बिकॉज सेल we'll आज सेल चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम आपको याद नहीं आती बेटा याद उनकी आती जिन्हें भुला देते लोग ये yes. जो हमारे साथ रहते है उनकी याद आने की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे आर ऑलवेज विद आस Yes. तो बच्चो आपको लगता है कि हम लोग अलग है बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चो वी आर ऑलवेज टूगेदर यस बिहाइंड सीन्स बिहाइंड कैमरा वी आर ऑलवेज अ फैमिली एंड इवन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो वी आर अ फैमिली ठीक है तो बच्चों याद तब आती है जब जाने की या भूलने की उम्मीद होती है बट ऐसा कुछ है ही नहीं

सुबह आठ बजे अन अकेडमी लर्निंग एप पर दैट टू तो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है चलो बाय बाय